Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about forecast function. And this is example 1. आइएगा इस example 1 की शुरुआत करते हैं. इस example के लिए मैंने कुछ structure already create किया हुआ है. और उस structure को use करते हुए हम forecast function को यहाँ पर implement करेंगे. सबसे पहले देखते हैं forecast function क्या करता है. It predicts a future value along a linear trend by using existing values. So existing values को लेते हुए ये future trend को predict करेगा. इसका syntax है forecast parenthesis start x comma known y comma known x. सबसे पहले मैं आपको explain कर देता हूँ कि ये known y और known x क्या है. Known x, this known x is इंडिपेंडेंट रेंज ऑफ न्यूमेरिक डेटा. हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. नॉन वाइज के केस के अंदर हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. सो नॉन एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वाइज डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. एक्स ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने एस्टिमेट करनी है फोरकास्ट फंक्शन की मदद से. सबसे पहले मैं कुछ आपके सामने नॉन एक्स और नॉन वाइज को टेक अप कर रहा हूं. नॉन एक्स दे आर इन टर्म्स ऑफ मंथ्स. सो यहां पर मैं दे रहा हूं 1, 2. मैंने ये 2 महीने दे दिए. मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग कर देता हूं तो मेरे पास ये नॉन एक्स आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स. सेकेंड पॉइंट सेल्स नॉन वाइज, दिस इज इन यूनिट्स एंड दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. मैं यहां पर कुछ सेल्स यूनिट को टेक अप करके चलूंगा. ये मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेक अप कर रहा हूं. 2150, 2700, 3100, 3140, 3000, 2700 एंड लास्ट आई टेक इट अप एज 2800. ये मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं. मेरे पास मंथ्स दिए गए हैं, मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए गए हैं. इसके बेस के ऊपर मुझे अब फोरकास्ट करना है 8 मंथ के अंदर कितनी सेल्स होगी, 9 मंथ के अंदर कितनी सेल्स होगी, 10 मंथ के अंदर कितनी सेल्स होगी. द नंबर ऑफ मंथ टू बी प्रिडिक्टेड, इसके लिए मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए और ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी. इसके बाद मैं इस रेड सेल के ऊपर क्लिक करता हूं. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को चूज करता हूं और सोर्स के अंदर मैं ये 8, 9, 10, 11, 12 दे देता हूं. आई से ओके. आप यहां पर देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन बॉक्स क्रिएट हो गया. मैं इसके ऊपर क्लिक करके किसी भी वैल्यू को चूज कर सकता हूं. मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ दीज वैल्यूज. मेरे पास पहले 7 महीने का डेटा दिया गया है. अज्यूम कीजिएगा कि मुझे 8th मंथ का डेटा प्रिडिक्ट करना है, 8th मंथ के अंदर कितनी सेल्स की जाएगी. सो ये जो मंथ्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और सेल्स यूनिट मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. मैं इस फोरकास्ट के फंक्शन को अब इम्प्लीमेंट करूंगा, लेकिन वहां पर मुझे एक और वेरिएबल को डिफाइन करना है एक्स. ये वो मंथ है जिसके लिए हमें वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है. अब मेरे पास ये सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं. मैं सेल्स फिगर का फोरकास्ट करने के लिए फोरकास्ट फंक्शन को यूज करूंगा. मैं द फोरकास्ट सेल फिगर, मैं इस जगह पर वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहता हूं. सो आई क्लिक इट हियर. नाउ आई इंप्लीमेंट द फंक्शन इक्वल्स टू फोरकास्ट. फोरकास्ट फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज एक्स, देन नॉन वाइज एंड देन नॉन एक्स. हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला आर्गुमेंट एक्स है. एक्स मीन्स द मंथ फॉर विच वैल्यू इज टू बी प्रिडिक्टेड. मैं 8th मंथ की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ. कॉमा नॉन वाइज, मेरे नॉन वाइज दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ये मेरी सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. कॉमा इसके बाद नॉन एक्स, ये मेरे सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं
which are in the form of months. I close parenthesis, I press enter. जैसे ही मैंने enter press किया, मुझे एक forecasted value निकल कर आ गई. Now, this is the value for 8th month. अगर मैं इसको change करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये values change हो रही हैं. Forecast function मेरे को forecast करके बतला रहा है कि 10th month के अंदर ये जो trend चला रहा है, उसके base के ऊपर 3195 यूनिट की सेल्स पॉसिबल है. इफ आई चेंज दिस वैल्यू टू 12 मंथ, तो ये हमें ये बतला रहा है 12वें महीने के अंदर हमारी सेल्स यूनिट की जो फोरकास्टेड सेल है वो 3327 तक जा सकती है. सो फोरकास्ट फंक्शन मुझे चीजों को प्रिडिक्ट करने के अंदर मदद करता है. वी कैन मेक यूज ऑफ फोरकास्ट फंक्शंस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू along a linear line trend by using existing values. This was a very simple problem and I hope that it must be very much clear to you. Thank you very much.